स्टूडेंट्स हम बैलेंस करेंगे एक रिडॉक्स इक्वेशन यूजिंग आयन इलेक्ट्रोड मेथड और ये हम एक एसिडिक मीडियम में करेंगे. ठीक है, हम एसिडिक मीडियम में क्या करेंगे, रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस करेंगे और डेफिनेटली हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करते हुए इसको बैलेंस करेंगे. इसके लिए हम यहाँ पर पहले एक रिडॉक्स इक्वेशन लिख लेते हैं. यहाँ पर हम अपनी रिडॉक्स इक्वेशन ले आए हैं. ठीक है, इसमें हो क्या रहा है हम देख लेते हैं कि आर्सेनस एसिड जो है वो डाइक्रोमेट आयन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, आर्सेनिक एसिड बना रहा है और साथ में क्रोमियम का आयन हमारे पास आ रहा है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हाफ रिएक्शन लिखेंगे. हाफ रिएक्शन हम जब आर्सेनस एसिड को देख रहे हैं कि कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास हम यहाँ पर देखते हैं आर्सेनिक एसिड में. ठीक है, यहाँ पर हम ले आते हैं, ये कन्वर्ट होकर किसमें आ गया, ये एक हमारे पास फर्स्ट हाफ रिएक्शन ये आ जाएगा. ठीक है, इस तरह से ये हमने लिख लिया. और दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला हमारे पास आ जाता है कि हमारे पास जो डाइक्रोमेट आयन है ये क्या कर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, ये कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम आयन में. ठीक है, तो ये भी हम यहां पर ले आते हैं, ये हमने यहां पर ये भी लिख दिया. ये हमारे पास आ गए हाफ रिएक्शंस. अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन रिएक्शंस को अगर देखें तो सबसे पहले हमने क्या कहा था, स्टेप हमारे पास ये होता है कि हमने पहले हाफ रिएक्शंस लिख लिए, देन हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हम फर्स्ट वन, ठीक है, इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर चले, यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये हमारे पास हाफ रिएक्शन वन है, हाफ रिएक्शन टू है. हाफ रिएक्शन दोनों में एक एक करके हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करते हैं. अब देखिए यहाँ फोर ऑक्सीजन है, यहाँ पर थ्री ऑक्सीजन है. अच्छा, मेन कंसर्न वाला जो हमारे पास बीच का जो एलिमेंट या फिर हम कहते हैं मेन कंसर्न का एलिमेंट जो आर्सेनिक है, ठीक है, या हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास है आर्सेनिक, ये देखिए ये जो है ये यहाँ पर बैलेंस्ड है. तो फर्स्ट कंसर्न हमारा इनको बैलेंस करना होता है, ये तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है. फिर ऑक्सीजन देखते हैं, तो फिर ऑक्सीजन जब हम देख रहे हैं तो चले ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन जब देखेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ फोर है, यहाँ थ्री है, तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एच टू ओ एड करना पड़ेगा. ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे. अब देखिए यहाँ पर दो हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए हैं, यानी यहाँ फाइव हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर जस्ट थ्री है, तो ऐसे करेंगे हम कि टू एच पॉजिटिव फिर यहाँ ऐड कर देंगे. ठीक है, ये हमने कर दिया. यही वाला केस जो है ये हम यहाँ पर दूसरी वाली इक्वेशन में भी करेंगे. इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है कि क्रोमियम दो है, यहाँ पर जस्ट वन है, तो ऐसे करते हैं यहाँ पर टू लगा देते हैं. ठीक है, तो ये हमारे पास पहले क्रोमियम बैलेंस हुए, अब हम करेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस. तो सेवन ऑक्सीजन है यहाँ पर, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम सेवन एच टू ओ लगाएंगे तो हाई सॉरी ऑक्सीजन जो है वो बैलेंस हो जाएंगे. लेकिन यहाँ पे 14 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा हो गए, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर 14 एच पॉजिटिव आयंस लगा देंगे. ठीक है, अब देखिए सारे के सारे जो एटम्स एटलीस्ट जो है ना हमारे पास, वो सारे के सारे जो मौजूद हैं वो बैलेंस हो गए हैं. ठीक है, तो उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, उसके बाद हम ये करेंगे कि हम देखेंगे कि क्या चार्जेस इन दोनों इक्वेशंस में बैलेंस्ड हैं कि नहीं. फर्स्ट वन में देख लेते हैं, यहाँ पे चार्ज ओवरऑल यानी कि फर्स्ट हाफ रिएक्शन में हम देखें तो यहाँ पर चार्ज ओवरऑल जीरो है, यहाँ पर देखें तो क्या है, यहाँ पर हमारे पास प्लस टू चार्ज है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि यहां पर हम अगर प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स लगा दें तो यहाँ पे माइनस टू भी चार्ज आ जाएगा और ओवरऑल ये भी हमारे पास पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो का चार्ज आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों साइड्स पे चार्ज सेम हो गया, चार्ज बैलेंस हो गया टू इलेक्ट्रॉन्स लगाने से. नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ आते हैं जो दूसरी वाली है, इसके अंदर देख लेते हैं, इसके अंदर देखिए क्या है, यहाँ पर हमारे पास 14 पॉजिटिव आयन 14 पॉजिटिव का चार्ज है. ठीक है, देन यहाँ पे दो नेगेटिव हैं, तो ये क्या बन रहा है, प्लस 12 का ओवरऑल चार्ज है. यहाँ पर देखें तो थ्री पॉजिटिव का है और प्लस इंटू टू करेंगे तो प्लस 6 का चार्ज है. ऐसे करें अगर हम यहाँ प्लस 12 में हम माइनस 6 कर दें, यानी माइनस 6 किस तरह आएगा कि अगर हम यहाँ पर क्या करें 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें इस साइड पे. ठीक है, तो क्या होगा, ये भी हमारे पास प्लस 6 का चार्ज देगा, तो हमने यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए. ठीक है, फिर यहां से ऐसे करते हैं थोड़ी सी स्पेस बनाने के लिए, यहां से हम इसको रिमूव कर देते हैं और इधर हम देखेंगे अब कि ऐसा है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, हम कह रहे हैं ना रेडॉक्स इक्वेशन है, रेडॉक्स इक्वेशन में तो हम करते हैं ये रूल इसका ये होता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स गेन हो. यहां पर तो टू इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं लेकिन 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, हाउ इज इट पॉसिबल. इसी तरह पॉसिबल होगा हम फर्स्ट इक्वेशन को क्या करें कि इसको हम क्या कर दें, इन टू इलेक्ट्रॉन्स को 6 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारे पास 3 × 2 = 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे. ठीक है ना, तो हम देखते हैं कि ये करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हम ओवरऑल इक्वेशन लिखेंगे कि ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाती है. अब हम ओवरऑल इक्वेशन नीचे लिखते हैं, तो पूरी इक्वेशन फर्स्ट वन जो है वो पूरी इक्वेशन जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो हम लिखेंगे 3H2O. ठीक है, देन प्लस लिखेंगे, देन 3H3AsO4 यानी कि आर्सेनिक, सॉरी SO4 नहीं है, O3 है, आर्सेनस एसिड आ गया. ठीक है, देन हम और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पे 14 H पॉजिटिव आ जाएंगे.
देन इसमें ऐड करेंगे हम Cr2O7, ठीक है, ये भी हमने ऐड कर दिया, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। देन हम यहाँ पे एरो लगाएंगे, दूसरी साइड पे हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या मौजूद है। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 3 चले पहले हम लिख देते हैं 3H3AsO4 यानी कि आर्सेनिक एसिड, प्लस 2 × 3 6H+ आयंस, ठीक है, प्लस 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बाकी चीजें नीचे लिख देते हैं, प्लस 2 क्रोमियम के आयंस, ठीक है, 3+, प्लस 7 जो है वो H2O आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, थोड़ा सा हम स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसमें देखिए हम 6 इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड पे मौजूद हैं, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये कैंसिल हुए किससे, इससे कैंसिल हो गए, ठीक है ना। फिर ये देखें कि यहां पर हमारे पास 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है इसके 3 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कैंसिल होंगे, लेकिन यहाँ स्टिल हमारे पास 4 वाटर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। 7 − 3 4 होते हैं, तो 4 अभी वाटर मॉलिक्यूल्स बचे हुए हैं, ठीक है। फिर ये देखिए यहाँ पर 14 हाइड्रोजन आयन्स जो यहाँ पे 6 हैं, तो ये 6 हाइड्रोजन आयन्स जो है 14 में से 6 निकाल दें, तो फिर हमारे पास यहाँ पर कितने बच गए, 8 हाइड्रोजन आयन्स स्टिल यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास यहाँ इक्वेशन जो फाइनली जो हमारे पास एक बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, हम यहाँ पर वो लिखेंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन हमारे पास बनती है, हम लिखेंगे 3H3AsO3, ठीक है, ये हमने लिखा। फिर उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस 8H+, ठीक है, प्लस इसमें सॉरी यहाँ पर एक चीज हमने मिस की है, यहाँ पे डाइक्रोमेट के साथ जो है वो इसका -2 का साइन भी होता है, ये आयन है तो इसके साथ ही हम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास क्या मौजूद है, डाइक्रोमेट का आयन मौजूद है, ये भी हम लिख देते हैं, ये बेशक हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या मौजूद है, उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे पास एरो है, चलिए हम एरो भी यहाँ पर लगा देते हैं, ये हमारे पास एरो आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोडक्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है, ये देख लेते हैं हम कि ये हमारे पास है आर्सेनिक एसिड, ठीक है, ये आर्सेनिक एसिड हमने यहाँ पर लिखा, लेकिन इसके साथ है कि यहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद है, 3 मौजूद है, तो हम यहाँ 3 भी लगा देंगे, ठीक है। देन इसके साथ और इसमें क्या है, फिर हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पर हम मेंशन करेंगे कि 2 क्रोमियम के आयंस भी मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद फाइनली यहाँ पर क्या चीज है, यहाँ पे हमारे पास मौजूद है 4H2O यानी 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है, ये जो फाइनली जो हमारे पास इक्वेशन आई है यहाँ पे, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या रेडॉक्स इक्वेशन है, जो कि हमने आयन इलेक्ट्रोड मेथड यूज करते हुए इन एसिडिक मीडियम ये हमने बैलेंस की है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया है, हमने एसिडिक मीडियम यूज करते हुए एसिडिक मीडियम में हमने रिडॉक्स इक्वेशन को बैलेंस किया है यूजिंग आयन इलेक्ट्रोड मेथड।